डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट टू फिफ्थ इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मासेस। आपको क्या करना है कि इनके इंक्रीजिंग मास, मतलब मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको रखना है। क्या क्या है? पहला कह रहा है कि 0.5 मोल्स ऑफ O3, दूसरा कह रहा है कि 0.5 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा कह रहा है कि 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, चौथा कह रहा है कि 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और फिफ्थ कह रहा है कि 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड और थर्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, बट मैं आपको बता दूं कि इस तरह से लैंग्वेज का एक पंगा होता है और वो पंगे को भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहले हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या, हमको दिया हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ O3। 0.5 का मतलब क्या, हाफ मोल है। कितना मोल है? हाफ मोल है। तो 1 मोल का वेट अगर कैलकुलेट करें तो क्या किसके इक्वल टू आता है? मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 3 × 16 = 48 ग्राम। तो हाफ मोल कितना हो जाएगा? हाफ मोल हो जाएगा 24 ग्राम। तो इसका मतलब है कि इसका पहले का आंसर जो आ रहा है वो 24 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। सेकेंड आपसे कह रहा है कि 0.5 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सीधे यहाँ पर आपको वेट दे दिया है, वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 0.5 ग्राम। तो भाई थर्ड का क्या पंगा है? थर्ड में भी तो यही है। थर्ड में कह रहा है कि 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या, कि अगर आपके पास में ग्राम एटम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मोल एटम है। अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये मोल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आपको ग्राम ऑफ एटम दिया हुआ है, इसका मतलब है वेट दिया हुआ है। जैसे अगर आपको 5 ग्राम एटम दिया हुआ है, यानी कि 5 मोल एटम्स दिए हैं, आपको 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो ये 5 मोल मॉलिक्यूल दिए हैं। लेकिन अगर आपको 5 ग्राम ऑफ एटम दिया है, यानी कि वेट ऑफ एटम इक्वल टू कितना दिया है? 5 ग्राम। आपको यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेट ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा वो कितना होगा? 5 ग्राम। ये बात समझ आई ना? तो मेरे को क्या दिया, मेरे को दिया है 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.5 मोल एटम है किसके? ऑक्सीजन के। 0.5 मोल एटम है किसके? ऑक्सीजन के। तो भाई 0.5 मोल एटम यानी हाफ मोल है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वेट, एटॉमिक वेट यानी 16 ग्राम, तो हाफ का कितना होगा? 8 ग्राम। यानी यहाँ पर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 8 ग्राम आएगा। अब इसके बाद आ जाओ फोर्थ में आपको क्या किए गए? मॉलिक्यूल्स दिए गए। अब आप यहाँ पर मोल कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, और मोल से आप वेट कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो यहाँ पर आपने मोल्स ऑफ O2 कैलकुलेट किया तो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 3.011 × 10²³, और डिवाइड बाई किससे करोगे? डिवाइड बाई किससे करोगे? Na से। तो यहाँ पर डिवाइड आपने कर दिया 6.022 × 10²³ से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। हाफ मोल क्या है? O2 है। हाफ मोल O2 है, तो हाफ मोल O2 का मतलब कितनी O2? तो 16 ग्राम O2। भाई O2 का कितना वेट आएगा? O2 का आएगा 32 ग्राम, ठीक है। O2 का मॉलिकुलर वेट कितना है? 32। तो 1 मोल का वेट, मॉलिकुलर वेट यानी 32 ग्राम, तो हाफ मोल का वेट कितना? 16 ग्राम आ गया भाई, ठीक है। फिफ्थ वाला देख लो, तो फिफ्थ में आपको क्या दिया हुआ? फिफ्थ में आपको वॉल्यूम दिया। यहाँ पर भी आप मोल कैलकुलेट करोगे तो मोल किसके? CO2 के। तो कितना आएगा? तो ये जो होता है गिवन वॉल्यूम बाई कितना? 22.4 लीटर। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 मोल आ गई। बात समझ आई ना? 1/4 मोल ऑफ CO2। अब जरा सोचो कि CO2 का मॉलिकुलर वेट कितना है। तो CO2 का मॉलिकुलर वेट होता है 44 ग्राम। तो 1 मोल का वेट कितना आ रहा है? 44 ग्राम। तो 1/4 का 11 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 11 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया 11 ग्राम। अब जरा सोचो भाई कि कौन कौन क्या है। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग मासेस में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा बाद में आएगा और सबसे कम पहले आएगा। तो सबसे कम कौन सा है? सेकंड। सेकंड का कितना है? 8 ग्राम है, ठीक है ना। सॉरी, सबसे कम जो होगा वो सेकंड है, और सेकंड का जो है 0.5 ग्राम है। उसके बाद फिर आपके पास आएगा थर्ड। थर्ड का कितना? 8 ग्राम है, सही है ना। और उसके बाद फिर आएगा आपका फिफ्थ।
फिफ्थ का 11 ग्राम है, उसके बाद आएगा फोर्थ, फोर्थ का कितना है 16 ग्राम है, और लास्ट में आएगा कौन सा फर्स्ट जिसका कितना है 24 ग्राम है। तो इस तरह से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो 2 less than 3 less than 5 less than 4 less than 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।